है, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर इज फ्लोइंग विथ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, गशिस आउट ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10^-2 मीटर स्क्वायर, हिट्स द वॉल एंड रिबाउंड विथ सेम स्पीड, कैलकुलेट फोर्स एग्जर्टेड बाय वाटर ऑन वॉल। तो ये हम कैसे करेंगे, देखिए पानी की एक धार आ रही है, टकरा के लौट रही है बेटा, तो वी वेलोसिटी से मान लो आ रही है, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया एम वी, फाइनल मोमेंटम क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है तो माइनस एम वी, तो चेंज इन मोमेंटम हमने पढ़ा है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो माइनस टू एम वी। अब फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो माइनस टू एम वी अपॉन टी। अब पानी के निकलने की वेलोसिटी कांस्टेंट है, एरिया दे रखा है और हमको वेलोसिटी दे रखी है, तो पहले बेटा मास को खोलना पड़ेगा। तो अगर मैं फोर्स ऑन वॉल निकालूं तो मैं निकाल सकता हूं, ये तो पानी का मोमेंटम है, तो पानी पे फोर्स अगर नेगेटिव है तो दीवार पर फोर्स पॉजिटिव लगेगी, 2mv/t। या सोच लो हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, 2 मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। अब इधर कर देता हूँ, वॉल पे लगने वाली फोर्स 2, वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम बेटा वेलोसिटी होती है, तो फॉर्मूला आ रहा है सीधा सीधा 2adv2। लेंथ अपॉन टाइम को v लिख लिया, v और v मिलके वी स्क्वायर हो गए। अब देखिए हमें क्या क्या मालूम है, 2 एरिया मालूम है 10^-2, वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है 1000 और वेलोसिटी दे रखी है 15^2, तो 15^2 आ जाएगा 225 into 2 हो जाएगा 45, और ये सॉल्व करेंगे तो 4500 न्यूटन आ जाएगा। फिर समझा देते हैं, पानी की बौछार आ रही है, टकरा के लौट रही है, फोर्स निकालनी है, तो फोर्स निकालने के लिए हमें पहले चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, तो इनिशियल मोमेंटम एम वी है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस टू एम वी है, ये मोमेंटम तुम्हारा पानी का है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल माइनस टू एम वी, तो ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर है, तो ये फोर्स ऑन वाटर लगेगी, तो फोर्स ऑन वाटर चेंज इन मोमेंटम वाटर डिवाइड बाय टाइम, तो माइनस टू एम वी बाई टी, तो ये फोर्स हमारी वाटर पे लग रही है, तो वाटर जितनी फोर्स लगाएगा उतनी ही फोर्स वॉल लगाएगी, तो फोर्स ऑन वॉल हो जाएगी 2mv/t। अब मास को खोल लिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को खोल लिया एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी, फिर लेंथ अपॉन टाइम को हमने वेलोसिटी लिख दिया, तो वी स्क्वायर हो गया, तो 2adv2 सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन और देखते हैं, अ स्टोन ऑफ मास 5 kg falls from top of building of height 50 meters and buries 1 meter in sand. Find force offered by sand and
टाइम इट टेक टू पेनिट्रेट। तो एक पत्थर गिर रहा है 50 मीटर की हाइट से और 1 मीटर अंदर चला गया, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। हम यहाँ वेलोसिटी निकाल लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है। तो जब ये 50 मीटर गिरेगा तो इसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो क्योंकि ये वैक्यूम में गिर रहा है तो वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये वाला फार्मूला लगा लिया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, जीरो है 2, जी की वैल्यू 9.8 और एच की वैल्यू 50। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 980। तो वी स्क्वायर 980 है तो वी हो जाएगा रूट 980। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है रूट ऑफ 980 है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। अब हमें रिटार्डेशन निकालना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। दोबारा से लगा दिए इस फॉर्मूले को, अब ये अंदर घुस रहा है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है। यू स्क्वायर जो पहले की फाइनल थी अब वो इनिशियल हो गई, तो 980 आ गया यू स्क्वायर माइनस 2। ए और एस हमको दे रखा है, एस हमें दे रखा है 1 मीटर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 490। तो इतना रिटार्डेशन हो गया। अब हमें फोर्स निकालनी है, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन है 490। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2450 न्यूटन। अब टाइम ऑफ पेनिट्रेशन और निकालना है, तो वी बराबर यू माइनस 80। रुक रही है तो जीरो हो गया, यू की वैल्यू थी हमारी रूट ऑफ 980। ए जो है वो निकला है 490 इंटू टी, तो टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 980 अपॉन 490। सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0.064 सेकेंड। एक बार और समझा देता हूँ। एक स्टोन ऊपर से गिर रहा है, 50 मीटर गिरने के बाद 1 मीटर सैंड के अंदर चला गया है, तो हम निकालेंगे पहले इसकी यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, टकराने से पहले क्या वेलोसिटी है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो वी स्क्वायर यू जीरो है, 2g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 50, तो 980 हो गई वी स्क्वायर की वैल्यू, तो v की वैल्यू रूट 980 हो गई। अब ये अंदर घुस रहा है तो अब रिटार्डेशन होगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी रूट 980 है, स्क्वायर करेंगे 980 हो जाएगा माइनस 2s, s की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 5 दे रखा है, तो ये वैल्यू आ गई 2450 न्यूटन। अब ये निकालना है कि कितना टाइम लगेगा इसके अंदर जाने में, तो वी इज इक्वल टू यू माइनस 80, यू है रूट 980, ए है 490 इंटू टी, तो टी की वैल्यू निकाल लेंगे रूट 980 अपॉन 4900, ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 0.064 सेकंड।